प्रिंस रोड। जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिनों में, आखिरी वक्त में जो कि शुरू हो चुका है, 7 बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आने वाली हैं। ये आखिरी दिनों की 7 सबसे बड़ी विपत्तियाँ कौन सी हैं और ये 7 विपत्तियों में कैसे लोग मार दिए जाएंगे, कैसे लोग उसमें अपनी जान गंवा देंगे और ये 7 विपत्तियाँ कहाँ से आएगी, ये किसकी ओर से आएगी? क्या शैतान की ओर से, क्या मसीह का जो विरोधी है उसकी ओर से, क्या परमेश्वर की ओर से? ये 7 विपत्तियाँ कहाँ से आएगी और अगर उससे बचना है तो बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पहले ये 7 विपत्तियाँ कहाँ से आने वाली है, किसके पास से आने वाली है, वो जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये आखिरी 7 विपत्तियाँ कहाँ पर है और कहाँ पर लिखी गई है और वो 7 विपत्तियाँ कौन कौन सी है, वो पहले हम जान लेते हैं। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसका 2रा वचन। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यहाँ पर लिखा है कि आखिरी दिनों में एक कटोरा उंडेल दिया गया और कटोरा उंडेलने से क्या हुआ, ये सारी लैंग्वेज जो है कोडवर्ड है, आत्मिक भाषा है, ये सारे लोग नहीं समझ पाते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, एक कटोरा उंडेल दिया गया और पशु मतलब कि मसीह का विरोधी जो था उसकी मुहर जिन लोगों ने ली थी उनके शरीर पर फोड़ा निकला और ये फोड़ा ऐसा था दुखदायी और इसमें इतना दर्द था, इतना दर्द था कि भयानक कि इंसान इसको सहन भी नहीं कर सकता, ऐसा फोड़ा निकला। और ध्यान से समझ लो, ये जो फोड़ा है वो मिटने वाला है नहीं, चाहे कितनी भी दवाई करवाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, अरे मैं बोलता हूँ प्रार्थना भी करवा लो तो भी ये फोड़ा जो है वो नहीं मिटने वाला है। ये फोड़ा भयानक है और ऐसे फोड़े इंसान को निकलेंगे। ये आखिरी 7 विपत्तियों में से सबसे पहली विपत्ति है। उसके बाद जो दूसरी विपत्ति है वो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 3रा वचन। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। अब कटोरा उंडेल दिया गया तो ऐसा हो गया कि जो समुद्र था वो लहू जैसा बन गया, जैसे उसमें पानी नहीं अब लहू हो गया। और पानी में जो पानी के जीव जंतु है वो जिंदा रहते, लेकिन लहू बन जाएगा तो कौन जिंदा रहेगा? तो लहू बनने के कारण वहाँ पर ऐसा हुआ कि समुद्र में जितने भी जीव जंतु थे वो सारे मर गए। अब आप सोचोगे मुझे क्या लेना देना, जीव जंतु ही मर गए, मैं कौन सा पानी में रहने वाला जीव जंतु? बात तो आपकी सही है, लेकिन सोचो कि समुंदर जो धरती का गोला है ना उसमें 71.28% वो समुंदर है। अब ये समुंदर लहू बन जाए और उसमें का सारे जीव जंतु मर जाए, अनगिनत जीव जंतु है उसमें, मगरमच्छ है उसमें, सांप है, छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली, व्हेल मछली, शार्क मछली, सब कुछ है, बड़े बड़े सांप है और न जाने कितने जीव जंतु उसके अंदर है। ये सारे जीव जंतु अगर मर जाए, और जब भी पानी में कोई जीव जंतु या इंसान भी मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो होती है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। अभी सोचो समुंदर में रहने वाले सारे जीव जंतु मर जाए, इनकी डेड बॉडी समुंदर के ऊपर आ जाए और उसकी जो बदबू है कहाँ तक फैलेगी, वो बदबू से कितने लोग परेशान होंगे। आप ये मत समझना कि आप समुंदर के पास नहीं रहते तो बदबू नहीं आएगी, 71.28% समुंदर का, तो सोचो बदबू कितनी होगी। चाहे समुंदर से आप मिलो दूर रहते हो ना, फिर भी आपके घर में भी वो बदबू आएगी
आप खा नहीं सकोगे, पानी नहीं पी सकोगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। फिर तीसरी विपत्ति है प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय वचन 4, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है जो था तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है। देखो अब क्या होगा, जब कटोरा उंडेल दिया जाएगा तो झरनों और जो नदी है उसका पानी, समुद्र का पानी तो खारा होता है, वो हमारे पीने के लिए योग्य है ही नहीं, हम पीते भी नहीं, लेकिन अब पीने वाला पानी वो लहू बन जाएगा। अब देखो ये पानी, पीने वाला पानी अगर लहू बन जाए, सारा पानी नदियों में से झरनों में से ही बहकर गवर्नमेंट आपके घर में पानी भेजती है। अब सोचो जो सोता होता है तो ज़मीन के नीचे भी है, अगर आपने बोर करवा रखा है तो वहाँ का पानी भी लहू बन जाएगा, सारा पानी लहू, आप पियोगे कैसे, आप पी नहीं सकते पानी, सारा पानी लहू बन गया होगा, आप पियोगे कैसे, आप जियोगे कैसे, बहुत बड़ी विपत्ति। फिर आगे पढ़ते हैं चौथी विपत्ति और प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और वचन 8, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। अब देखो चौथी विपत्ति कैसी आई, सूरज पर कटोरा उंडेल दिया गया, और सूरज पर जब कटोरा उंडेल दिया गया तो सूरज की रोशनी बढ़ गई, उसका तापमान बढ़ गया, उसे ऐसी शक्ति दी गई कि गर्मी से लोग मर जाए, आपका एसी भी बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा। अभी इन्हीं दिनों में लोगों ने बहुत सारे एसी बसा लिए, तकरीबन घर घर में 80% लोगों के घर में एसी आ गया, पहले लोग एसी नहीं इस्तेमाल करते थे, अरे खरीद नहीं सकते थे, लेकिन अभी तो लोन ले लेकर लोगों ने एसी ले लिया। और इन दिनों में मैंने इतने वर्षों की सेवा में पहली बार ये अनुभव किया कि जब भी मैं कहीं पर सेवा के लिए निकलता था तो लोग पंखा चालू करते थे, चाय पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, लेकिन इस बार पहली बार मुझे यह अनुभव हुआ कि जब मैं किसी के वहाँ जाता था प्रार्थना के लिए, वो बोलते थे अरे भाई साहब अंदर आ जाओ, एसी में बैठते, ऐसा पहली बार हुआ कि लोगों ने मुझे खींच कर एसी में बिठाया, क्यों, गर्मी इतनी थी। अब ये गर्मी नहीं सहन कर पाते और एसी की ज़रूरत से आप गर्मी से दूर रहते हो, लेकिन तो सोचो वो गर्मी कितनी होगी, आपका एसी तक काम नहीं करेगा, तब क्या करोगे। सूरज को ऐसा अधिकार दिया गया कि लोगों को झुलसा दे, झुलसा देने का मतलब मालूम है कि बहुत बड़ी आग आपके पास से अगर से गुजर जाएगी, आप आग में नहीं गए, आग आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन वो आग इतनी भयानक थी कि आप झुलस कर बाहर ही मर गए। जब शत्रक मेशक अबेदनगो को 3 पहलवानों ने उठाकर उसको आग की भट्टी में डाल दिया था, वो पहलवान तो आग की भट्टी के बाहर थे लेकिन वहाँ मर गए गर्मी के कारण। सोचो ऐसी गर्मी आएगी, मालूम है तापमान कितना होगा, और उस गर्मी से लोग मर गए, ऐसा बाइबल में लिखा है। फिर पांचवी विपत्ति क्या है, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और वचन 10, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अभी जब पांचवें ने अपना कटोरा उंडेल दिया तो ऐसा हुआ कि अंधेरा छा गया, अंधेरा इतना भयानक। अभी अंधेरा का मतलब क्या, आपकी लाइट चली गई, अंधेरा का मतलब क्या, सूरज नहीं, सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दिया, अंधेरा का मतलब क्या, आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। ऐसी घटना मूसा के वक्त मिस्र देश में हुई थी, वहाँ पर अंधेरा छा गया था और लगातार 3 दिन तक लोग एक ही जगह पर बैठे रहे, उठे ही नहीं। अभी सोचो, ये मैं बात कर रहा हूँ बरसों पहले की, प्रभु यीशु के आने से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है, और उस वक्त इतना अंधेरा छा गया था कि लोग 3 दिन एक ही जगह पर बैठे रहे थे। पेशाब तो आया होगा, तो पेशाब कहाँ किया, कपड़ों में कर दिया, उठकर जाए कहाँ, टॉयलेट आएगा कहाँ किया होगा, वहीं पर कर दिया, बदबू, कैसी हालत, 3 दिन तक कोई उठ नहीं पाया, मतलब ये सारी क्रिया तो होने होगी ही होगी, कैसे भयानक हालत हो गई। और वो तो कुछ नहीं,
वो इसलिए कुछ नहीं क्योंकि वो आखिरी विपत्तियाँ नहीं थी। तो आखिरी विपत्ति में जो अंधकार छाएगा ना, वो तो लोगों को पागल कर देगा। लोग अपने अपनी जबान चबाने लगे, सोचो अपनी खुद की जबान चबाना, मतलब कैसे पागल हो गए, कैसा अंधेरा होगा, कितनी भयानक बात। सोचो ये पांचवी विपत्ति है। फिर छठवीं विपत्ति, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 12वां वचन, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अब देखो फरात नदी जो है वो सूख गई, और फरात नदी का सूखना तो कब से शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में पूरी सूख जाएगी। और जब वो सूख जाएगी तब प्रभु के साथ लड़ाई करने के लिए एंटी क्राइस्ट और के साथ कई लोग जो है वो इकट्ठा होने वाले। तो छठी विपत्तियाँ तो वो है कि जितने भी लोग उस पशु के साथ मसीह के विरोध के साथ जुड़े सभी लोगों का नहा सके, वो सभी लोग प्रभु यीशु के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी देखो वो लोग कैसे, उनके शरीर पर फोड़े पड़े हुए, कई लोग तो अंधकार से पागल हो गए। ऐसे लोग लड़ाई करने के लिए आएंगे, उनको पानी नहीं मिला पीने का, प्यासे है, ऐसे लोग लड़ाई करने के लिए आएंगे, कौन सा जीत पाएंगे। लेकिन ये अपनी मौत के लिए प्रभु यीशु के साथ लड़ाई करने के लिए निकल आएंगे। और मैं आगे भी वचन पढ़ता हूँ उसका 13वां वचन, और मैंने उस अजगर के मुँह से और उस पशु के मुँह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुँह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के स्वरूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा और सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाते हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख मैं चोर की न्याय आता हूँ, धन्य वह है जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। ये सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे आखिरी युद्ध के लिए और मरने के लिए और नरक में जाने के लिए। आप कहाँ पर होंगे? और आखिरी और सातवीं विपत्ति, और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय वचन 17, और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह शब्द हुआ कि हो चुका, और बिजलियाँ और शब्द गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा धरतीकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा धरतीकंप कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला, और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखो ये सातवीं और आखिरी विपत्ति, बड़े बड़े धरतीकंप, और जिसको हम टापू कहते हैं जो समुद्र के बीच में कोई सूखी जगह होती, सारे लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, टापू तो दिखेगा ही नहीं। इतना बड़ा धरतीकंप, मालूम नहीं कितने लोग मर जाएंगे, और आकाश से मन मन के ओले पड़ेंगे, 40-40 किलो का ओला, उसके साथ आग होगी, कौन बचेगा, किस तरह से बचेगा। तो आने वाले दिनों में ये विपत्तियाँ बहुत जल्द पूरी होने वाली, ये 7 आखिरी विपत्तियाँ है। और मालूम है ये विपत्तियाँ किसकी ओर से है? तो एक बार फिर से 1वां वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 और उसका 1वां वचन, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों को यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। ये परमेश्वर की ओर से विपत्ति आने वाली, और परमेश्वर की ओर से विपत्ति आने वाली इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। मिस्र देश में यही हुआ था ना, परमेश्वर की ओर से विपत्ति आती थी तो परमेश्वर के लोग इसराइल लोगों को कुछ हुआ क्या? उनका पहलौठा मर गया क्या? वहाँ पर अंधकार छाया क्या? वहाँ पर टिड्डी आई क्या? वहाँ पर मक्खी आई क्या? वहाँ पर मेढक आए क्या? उनका पानी लहू बना? नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर की ओर से विपत्ति आए तो जो परमेश्वर के वही बचाए जाएंगे, बाकी लोग तो नाश हो जाएंगे। और कैसे लोग परेशान होंगे? तो देखो उसका मैं 2वां वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 16वां वचन 2, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। उनको फोड़ा निकला,
जो पशु की आराधना करते थे, पूजा करते थे और उसकी मुहर लेकर बैठे थे, पशु मतलब मत्स्य का विरोधी, तो जितने लोग उसके पीछे चल रहे थे उनके ऊपर ये विपत्ति आएगी। बचने के लिए क्या किया जाए? आज ही जाग जाओ, आज ही तौबा करो, पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो, सच्चा बपतिस्मा। और सच्चा बपतिस्मा क्या है उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही, और उसमें जाकर सच्चा बपतिस्मा जो है उसे जान लो। उसी तरह से अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ तो ले लो, पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा की मुहर पालो, ताकि ये सारी विपत्तियाँ आपके ऊपर ना पड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।